भाई किसी का फोन अभी गिरा है, टूट गया है। आज हम लोग चल रहे हैं भाई दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पहाड़ पे, जा मैगी ना खाई, ऐसा हो सकता है क्या भाई? पूरा खड़ा चढ़ाई है। तो आ गया गाइस हम लोग का सुबह सुबह का पहाड़ी नाश्ता, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे दर्शन हो गया हम लोग का, ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचा शिव मंदिर पे। सब लोग फोटो ले रहे हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। यही पे सांस फूलने लगा हम लोग का, कश्मीर वाला फील पूरा ही है। यहाँ पे कुछ मिले भाई लोग जो की यूपी बिहार, अपने यूपी बिहार के महादेव का नाम लेते हैं और चलते हैं भाई। ये चेक करो, छुपता वहाँ लिखा, हर जगह का लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे। ये कितना सही जगह है भाई, यहाँ से कुछ 800 मीटर ऊपर है ट्रैक, सबसे ऊपर वहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब चंद्रशिला टॉप के लिए, ठीक है। व्यू चेक करो भाई, आगे से पीछे पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ देखो जहाँ दूर दूर तक नजर जाएगा भाई, पूरा पहाड़ है। गाइस कॉन्टेक्ट कर लेना भाई और नाम रख देना सौरभ ब्लॉग, मोतिहारी से है इस चीज का घमंड। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे सब, सभी आई होप सब बड़े होंगे भाई और सभी को राम राम। तो भाई लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, हम लोग केदारनाथ से उतर रहे थे भाई और उतर के आ चुके थे भाई ऊखी मठ गाँव में। और भाई ऊखी मठ गाँव में हम लोग कल से, कल ब्लॉग हमने कि कल पूरा दिन रेस्ट किए लोग, क्योंकि पैर में बहुत दर्द था, ठीक है। आज हम लोग चल रहे हैं भाई दुनिया के सबसे ऊँचे शिव मंदिर पर, ठीक है। अब आप लोग गैस कर लो कौन सा मंदिर है भाई, और आगे तो पता चल ही जाएगा भाई। तो देर नहीं करते, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। और सामने का कुछ व्यू देखो, बर्फ के पहाड़ देख रहे हो। हम लोग यहाँ है कुछ, हम लोग रूम लिए थे गाइस और यहाँ पे हम लोग कुछ चलते हैं भाई। यहाँ आशु भैया है, चलिए आशु भैया। तो गाइस अभी निकलते हैं हम लोग जल्दी से, सुबह का 8 बज रहा है गाइस और हम लोग जल्दी चलते हैं। अभी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा, आज हम लोग एक और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, वो है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो गाइस निकलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग स्टैंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं गाड़ी लेने, पहले गाड़ी देखते हैं कहाँ है, ठीक है। पहले खाएंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ लिखा हुआ है, देखो गाइस यहाँ पे सब जगह हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है। रुद्र पड़ेगा यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा सारी कौन जगह है भाई, चोपता यहाँ जाएगा, ये गाड़ी चोपता जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग आते हैं, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। चोपता वहाँ लिखा, हर जगह का लिखा हुआ है गाइस यहाँ पर। तो आ गया गाइस हम लोग का सुबह सुबह का पहाड़ी नाश्ता, ठीक है, पराठा है, सब्जी और दही है। तो गाइस अभी हम लोग खा पी लिए गाइस वहाँ पे, ठीक है। आपको दिखाया ना पहाड़ी खाना एकदम मस्त है भाई और बहुत टेस्टी था, उसका सबसे अच्छा हमको दही लगा। और भाई यहाँ पे अपना बुक हो चुका है सीधा, यहाँ आशु भैया है, क्या आशु भैया? हमेशा हम लोग खाते हैं, हाँ उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। पैसा देते हैं कि नहीं इसको? नहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रहे। तो गाइस हमारे पीछे चेक करो भाई, पूरे आइस के बाहर भाई, पूरा ग्लेशियर माउंटेन से यहाँ पे देख लो गाइस, ये चेक करो कितना खूबसूरत दिख रहा है। भाई नीचे है अभी, ये गाड़ी रुका है भाई, ये बच्चा रास्ता बढ़ चिल्लाया। क्या कर लिया? तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं और बैठते हैं गाड़ी में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के गेट पे गाइस। तो हम ले आए यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है 4.5 किलोमीटर का। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे चोपता, ठीक है। और ये सीधे रास्ते चले जाता है बद्रीनाथ के लिए, ये भी रास्ता है। और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ तुंगनाथ की चढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है। चलो हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं भाई, बिना लेट किए हुए, खा पी तो पहले ही लिए थे। निकलते हैं, निकला जाए गाइस। स्टार्ट होता है अपना ट्रैक तुंगनाथ का, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हर हर महादेव, महादेव का नाम लेते हैं और चलते हैं भाई। यहाँ देखो बस, अगर प्रसाद वगैरह खरीदना है ऊपर के लिए तो यहाँ से ले लो भाई, चॉकलेट वगैरह लेना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना है, चाय वगैरह बोल जय बोले की। चलो निकलते हैं गाइस। अब पालकी वगैरह यहाँ पे भी है गाइस, पालकी है, पिट्ठू है। यहाँ एक चीज बहुत हाथ है भाई, ठीक है, ये पूरा खड़ा चढ़ाई है, ठीक है। देखो देखो लाइन देखो, आपको एकदम नीचे दिख रहा है, पूरा खड़ा चढ़ाई है भाई, पूरा खड़ा चढ़ाई है भाई। हम लोग अभी पहुंचेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पे। यहाँ चेक करो भाई ट्रैक पे क्या दिख रहा है, ट्रैक से क्या दिख रहा है, ये चेक करो। लो बिना लेट किए होंगे, निकलते आगे क्योंकि भाई तीन घंटे की चढ़ाई है। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, आदमी हाँपने लगा, अभी 3 किलोमीटर और जाना है। यहाँ से खाई देखो भाई, ये कितना गहरा है नीचे, और सामने देखो खूबसूरत लग रही है।
भाई ये रास्ता को चेक करो कितना सही है भाई। भाई पता है सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा, ऊंचा है ना बहुत। ऐसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर थोड़े यहाँ का व्यू देख, चेक करो भाई देख रहे हो। और यहाँ कश्मीर वाला फील आ रहा है, लग रहा है भाई कि हम लोग कश्मीर आए हुए हैं। कश्मीर वाला फील पूरा ही है, पूरा वादी है यहाँ का, चेक करो भाई। भाई यही पे सांस फूलने लगा हम लोग का। सामने पहाड़ कितने खूबसूरत है भाई, ये कितना सही जगह है भाई, पूरा कश्मीर वाला फील आ रहा है यहाँ। लोग शॉर्टकट लेके ऊपर चढ़ रहा है भाई। यहाँ ऊपर पता है पानी कितने का मिल रहा है, 40 का मिल रहा है यहाँ तुंगनाथ में, जो तुंगनाथ ट्रैक पे गाइस। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ कुछ रुके हुए थे भाई यहाँ पे और आराम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ मिले भाई लोग जो कि यूपी बिहार, अपने यूपी बिहार के, और सब बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। हर महादेव भाई, किसी का फोन अभी गिरा है, टूट गया ऐसा, ठीक है पड़ा हुआ था, अभी देखो इसका पत्ती वत्ती सब निकल के बाहर आ गया, खत्म। चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको फेंकते हैं डस्टबिन में, ऐसे रोड पे नहीं फेंकते क्योंकि थोड़े खच्चे चल रहे हैं, पैर में गिर जाएंगे उसके शीशे। गाइस यहाँ चेक करो, हम लोग यहाँ पे कुछ पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ 800 मीटर ऊपर है ट्रैक सबसे ऊपर वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से व्यू पहले चेक कर लो गाइस, भाई यहाँ चेक करो, हम लोग वहाँ थे और अभी चढ़ते चढ़ते भाई पड़ा है। तो भाई अब देखो यहाँ से डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई है, डायरेक्ट ऊपर देख लो, देख रहे हो डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई है। गाइस यहाँ के अभी बैठे हम लोग भाई बहुत टॉप पे आ गए, ठीक है देखो यहाँ, और वहाँ पे है भाई मंदिर ऊपर, इसको पार करना है उसके बाद मंदिर आ जाएगा। गाइस चलते हम लोग बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे गाइस, क्योंकि सांस बहुत फूल रहा है अभी, ठीक है कोई ना गाइस चलते हैं। क्या हो गया, ट्रैक कंप्लीट हो गए, चलो बाय आराम से भाई। यहाँ भाई आराम करने के लिए जगह बनाया गया, देखो यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। गाइस यहाँ से भी ऊपर चलना है, और यहाँ एक जगह हम लोग खाने पीने रुके हैं भाई, हाँ कोई ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ खाते हैं, और भाई यहाँ से ये व्यू देखो भाई तुंगनाथ ट्रैक का, देखो भाई कितना सही है, खाई कितना गढ़ा है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर हम लोग अभी जा रहे हैं। ये चेक करो भाई, हम लोग यहाँ लिए हैं फ्रूट्स लिए हैं कुछ, कहेंगे भाई कुछ एनर्जी मिलेगा इससे, और अभी ऊपर चलना है। सब लोग फोटो ले रहे हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं यहाँ पे लेने का, देखो अभी खा के या ऊपर से आएंगे तो। यहाँ भाई हम लोग पहुँच गए, और भाई यहाँ पे ना बहुत लोग दर्शन कर गए, लौट भी रहे हैं यहाँ मंदिर, हम लोग बस चल रहे हैं पहुँच जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे देखो दर्शन करके लौट रहे लोग। देखो व्यू चेक करो, बहुत प्यारा है, वर्ल्ड का सबसे ऊँचा मंदिर है ये, दुनिया का सबसे ऊँचा मंदिर सोच लो। चलो गाइस टाइम वेस्ट किए बिना निकलते हैं। तो भाई लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं, देखो बहुत लोग दर्शन करके आ रहे हैं, और भाई यहाँ पे प्रसाद वगैरह लाइन से मिटता है, अभी ऊपर तक मिलता है भाई, ठीक है। तो यहाँ देख लो गाइस होटल वगैरह भी है, मतलब रह भी सकता है कोई अगर उसको रहने का मन है तो। तो गाइस हम लोग भी चलते हैं अब बिना लेट किए भाई, यहाँ हवा चल रहा है एकदम बर्फीला हवा चल रहा है, ठीक है बहुत टॉप पे है हम लोग। तो पहुँच गए गाइस सामने, देखो ऊपर बस, और प्रसाद लिए गए, चलते ऊपर, हर हर महादेव। चल तो गाइस यही है तुंगनाथ बाबा जी, चलते हम लोग पास में और आपको ही दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के पास में, इसके कपाट के पास में, कपाट थोड़ी देर के लिए बंद था गाइस इसलिए थोड़ा भीड़ लग गया था, देखो देख रो। चलो दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ चेक करो यही तुंगनाथ बाबा का मंदिर, ठीक है भाई, और हम लोग दर्शन कर लिए भाई। और भाई यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर पे यहाँ गाइस भैरवनाथ जी है भाई, कुछ भी कहो जगह तो बहुत खूबसूरत है। देखो तुंगनाथ जी का मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, ठीक है, इससे ऊंचा कोई से मंदिर नहीं है दुनिया में। यहाँ पे भी दर्शन हो गया, दर्शन कर लो आप लोग भी। तो गाइस यहाँ पे दर्शन हो गया हम लोग का, ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचा शिव मंदिर पे तुंगनाथ बाबा के।
और भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, ठीक है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब चंद्रशिला टॉप के लिए, ठीक है। उधर से जाने का है भाई, वो उधर पता है 360 डिग्री आपको माउंटेन से दिखेंगे। चलो वहाँ चलते हैं। तो गाइस ये रहा सामने मंदिर, ठीक है। और हम लोग भाई यहाँ चंद्रशिला यहाँ पे देख लो, यहाँ ऊपर देख रहे हो सबसे टॉप पे। लेकिन भाई हम लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि भाई 3 बज चुका है भाई, गाड़ी वगैरह का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो गाड़ी वगैरह का दिक्कत हम लोग को झेलना नहीं है क्योंकि हम लोग का सामान वगैरह सब उखी मत में रखा हुआ है। थोड़ा बहुत यहीं पे रील्स वगैरह बनाते हैं, सिनेमैटिक लेते हैं गाइस और निकलते हैं चुपता के लिए, ठीक है गाइस। तुंगनाथ पे हम लोग दर्शन कर लिए गाइस, आप लोग भी कर लियोगे गाइस। यहां से ये व्यू चेक करो भाई, आगे से पीछे पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। यहां देखो जहां दूर दूर तक नजर जाएगा भाई पूरा पहाड़ है, देख लो चाहे जहां देखो आप, देख रहे हो कितना खूबसूरत है भाई। और भाई हम लोग बहुत टॉप पे हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर पे हैं। यहाँ देखो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर यहाँ रहा, और भाई चंद्रशिला टॉप यहाँ रहा। लेकिन हम लोग चंद्रशिला नहीं जा पाए क्योंकि 3 बज रहा है, ठीक है। वो देखो वहाँ भी ट्रैक है, वही से हम लोग आए हैं गाइस, देख रहे हो कितना टॉप पे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक लिया, आपको अच्छा लगा होगा आई होप, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकलते हैं भाई नीचे। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, और भाई यहाँ पे हम लोग एक और रिकॉर्ड कर चुके हैं भाई, ठीक है। जैसे हम लोग केदारनाथ का आप लोग व्लॉग देखोगे, डोली यात्रा करके गए थे गाइस, तो भाई यहाँ पे भी हम लोग आए हैं गाइस दुनिया के सबसे ऊंचा शिव मंदिर पे तुंगनाथ। तो यहाँ पे हम लोग का दर्शन हो गया भाई, और भाई अभी तक तो मोतियारी का कोई नहीं किया होगा ब्लॉग ये सब जो हम लोग किए हैं अभी। तो चलो गाइस इसी के साथ नीचे उतरते हैं। अब भाई ये मत समझना भाई कि घमंड कर रहे हैं, मोतियारी का कोई नहीं किया भाई, हम बता रहे हैं। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि जो चीज करने जा रहे हैं उस चीज का हमें घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन अच्छा। हम लोग दिखा रहे हैं और मोतियारी से इस चीज का घमंड हो रहा है, मोतियारी से इस चीज का घमंड, बाकी हमको कोई चीज का। और भाई चंद्रशिला तब तो नहीं जा पाए, कोई ना नेक्स्ट टाइम एक टाइम हम बाइक से आएंगे गाइस, ठीक है। उस टाइम देखना बाइक से जब आएंगे तब सब कवर करेंगे, ठीक है। अपना गाड़ी होता है ना, अपना गाड़ी होने का बात ही अलग होता है भाई। और अब चलते हैं। रमेश भाई नीचे फिर जाना है, नीचे गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उखीमठ के लिए, वही तो ये भी टेंशन है। तो गाइस यहाँ पे कुछ हम लोग मैगी आ गया भाई, और पहाड़ पे जाए मैगी ना खाए ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसे घड़ बनाया जाए? हाँ भाई मान्यता रहती है, मतलब यार ऐसा मान्यता है कि घड़ वगैरह आप लोग मतलब ऐसे ईद पे ईद रख के जाओगे ना, आपका भी घर में सही रहता है, घर में सब कुछ सही रहता है, यही सब मान्यता है। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, बड़ा घर चाहिए अपने को, बड़ा घर। देखो गाइस, तो गाइस वहाँ पे अभी देखो ना हम लोग घर ऐसे कुछ उसका मतलब, देखो भाई अपना श्रद्धा है तो बता रही है भाई, ठीक है। और भाई एक और चीज़ बता रहे भाई, इस पे पूरा आइस रहता है, ठीक है, जब बर्फ वगैरह पड़ता है ना सब पूरा कवर रहता है, ये पूरा आइस से कवर रहता है, ठीक है। हम लोग आइस के टाइम में नहीं आ पाया, लेकिन अभी इतना ठंडा है तो सोच लो आइस जब रहेगा तब क्या हाल होगा। ये सब कवर रहता है, ठीक है, ये तो चलने का रास्ता रहेगा ही, ये सब कवर, पूरा कवर भाई, यहाँ लोग बैठे ये सब कवर। हम लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं भाई, और लोग शॉर्टकट ले रहा है, देखो चालान होगा तब समझेगा लोग। हम लोग तो सीधा अपने रास्ता उतर रहे हैं भाई, जिधर से आए उधर से। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर से उतरना स्टार्ट किए थे गाइस आपको 3:45 में, ठीक है, और अभी 4:40 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच गए नीचे। देखो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ चुके हैं गाइस, और अब चलते हैं छुपता मार्केट पे नीचे, और गाड़ी पकड़ते सीधा उखीमठ, हचल के आराम करते भाई, क्या कि पैर का हालत फिर खराब हो गया मेरा। ये चेक करो भाई सामने गेट है यहाँ पे, देख लो। और भाई हम लोग सही में मतलब पूरा 1 घंटा में भाई हम लोग तुंगनाथ मंदिर से सीधा नीचे, लेकिन चढ़ने में तो लग गया था 3.5 घंटा, वो भी रुक रुक के जा रहे थे, इसमें भागते भागते आए लोग। ये लो गाइस हम लोग पहुंच गए नीचे, क्या शुक्रिया 1 घंटा में बस भाई, भाग भाग के उतरे लोग 1 घंटे में भाई, चढ़ने के टाइम तो 3.5 घंटा लग गया, क्योंकि भाई आराम आराम से चढ़ रहे थे, पैर में भी दर्द था, केदारनाथ यात्रा किए हुए हैं, चढ़े भी है उतरे भी है, हाँ 1 घंटा में उतरे हैं भाई। तो गाइस यहाँ रहा तुंगनाथ मंदिर, ठीक है, तुंगनाथ मंदिर का भाई ट्रैक, ठीक है, हम लोग कवर कर लिए, वो लोग ब्लॉग अच्छा लगा भाई, अब यहाँ से निकलते हैं गाइस। और भाई चंद्रशिला टॉप हम लोग नहीं जा पाए भाई क्योंकि भाई लेट हो रहा है, ठीक है, यार देखो गाड़ी सब कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है, 15-20 मिनट में सब खाली हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जा ही नहीं पाते, वो दिक्कत अलग हो जाएगी।
कोई ना गाइस नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, बाइक से जब आएंगे तब बाइक से भी आने का सोचेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल के पास, ठीक है, यही होटल है गाइस, ठीक है, वहीं हम लोग रूम लिए। और यहाँ पे जो मतलब अंकल है भाई बहुत अच्छा बिहेव करता, ठीक है, आपको मिलाते हैं, चलो यही शॉप है, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा आ गया ना वहाँ वाले मार्केट से, और इधर है गाइस, यहाँ पे चेक करो ये, और यही अंकल है गाइस, इन्हीं के पास होटल हम लोग लिए हैं। ऐसे अंकल बढ़िया है, होटल का नाम क्या? ये शुभ लक्ष्मी टूरिस्ट गेस्ट हाउस। अच्छा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। हाँ, ये है 8218718001800। तो गाइस कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, और नाम रख देना सौरभ ब्लॉग्स या आशुतोष ऐसे ब्लॉग्स, भाई अंकल पहचान जाएंगे और कुछ कर देंगे, ठीक है अंकल, कर दे। नाम कोई रखेगा मोतियारी का तो थोड़ा देख लीजिएगा, कोई भी आओ भाई, किसी का नाम रखो। आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और हम चाहते हैं आप वैसी अपने उसमें अच्छा करें। चलिए बढ़िया, ठीक है, हर हर महादेव। तो उस समय गाइस हम लोग आ चुके थे चोपता तुंगनाथ से गाइस, और अंकल की दुकान पे थे गाइस, जिनका होटल है, ठीक है, और ये होटल रहा सामने, इसी के बगल में जस्ट यहाँ पे है गाइस, ये एक मतलब ढाबा है गाइस। क्या नाम है इसका? मिस्टर सिंह। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ये कहाँ पे जगह? ये उपमा है, उपमा जगह। तो गाइस यहाँ पे आप लोग आके खा सकते हो, ठीक है, अंकल को पहचान जाओ गाइस, सौरभ ब्लॉग्स बोल देना भाई, एकदम अच्छे से मतलब जो भी होगा एकदम अच्छे से मिलेगा आपको, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लो जो होटल है उखीमत का, ये साइड में आते हुए उखीमत मार्केट से इधर आते हुए यहीं पे आना है गाइस, देख लो ये जगह, ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर का व्यू है यहाँ से, और यहाँ से एकदम ये है, ठीक है, तो आप लोग आ सकते हो गाइस और खा सकते हो, ये मिलेंगे, हमारा नाम रखना, अच्छे से एकदम ट्रीट करेंगे गाइस आपको। हम लोग अब खा लिए गाइस, अब चलते हैं अपने रूम पे।